गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको हिस्ट्री का पार्ट दो भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट टू बताने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम आपको राष्ट्रवाद का बता चुके हैं, राष्ट्रवाद का क्या है परिचय उसका दे चुके हैं, ठीक। गांधी जी के बारे में बता चुके हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, उसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि उन्होंने तीन आंदोलन किए थे, ठीक। गांधी जी का मकसद यही था कि सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम क्या है अपने भारत को आजादी दिला सकते हैं अंग्रेजों से। शारीरिक बल ही काफी नहीं होता है किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए, हमें सिर्फ शारीरिक बल ही काफी नहीं है कि हम सिर्फ शारीरिक बल का यूज करके ही किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर अहिंसा के रास्ते को अपना कर भी बहुत सी लड़ाइयां जीती जा सकती है। यही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में किया था। अब देखेंगे हम रोलेट एक्ट। ये रोलेट एक्ट क्या है, ये कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट जो है 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पारित किया था, यानी रोलेट एक्ट जो है वो अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित किया गया एक एक्ट जो 1919 में पारित हुआ, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने के लिए का अधिकार मिल गया। फिर से देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट क्या है, कब पारित किया गया। 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून पारित किया था जिसका नाम था रोलेट एक्ट, ठीक। सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को इस कानून के जरिए क्या होता है, सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये था रोलेट एक्ट। अब देखेंगे कि रोलेट एक्ट, जो रोलेट एक्ट था उसके विरोध में लोगों ने क्या किया, यानी रोलेट एक्ट प्लस सत्याग्रह, यानी जो रोलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया था उसके विरोध में और सत्याग्रह, यानी रोलेट सत्याग्रह, यानी इन दोनों के विरोध में लोगों ने क्या किया, यानी कि सत्याग्रह को भी लोग नहीं पसंद कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, उन्होंने क्या किया था, अपनी दुकानें बंद कर दी थी। लोगों ने क्या किया था, अपनी दुकानें बंद कर दी थी, रैली जुलूसों का आयोजन कर रहे थे, सभी लोग हड़ताल पर चले गए थे। तो ये जो है रोलेट एक्ट और सत्याग्रह के विरोध में ये चीजें करी। अब आगे देखिए अमृतसर में क्या हुआ, बहुत सारे स्थानीय नेताओं को क्या किया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। गांधी जी जब दिल्ली आ रहे थे तो उनके दिल्ली आने पर क्या है, पाबंदी लगा दी गई थी कि गांधी जी दिल्ली नहीं आएंगे, उनके आने पर क्या है पाबंदी लग गई थी। फिर 10 अप्रैल को पुलिस ने क्या किया, शांतिपूर्ण ढंग से एक जुलूस मतलब अपनी रैली निकाल रहा था, उस पर क्या किया था, फायरिंग कर दी थी, यानी गोली चला दी थी। फिर इसके बाद लोगों ने क्या किया, जो ऐसा हुआ तो लोगों ने क्या किया, बैंकों, डाकघरों, स्टेशनों, इन सब जगहों पर क्या किया, हमले करने शुरू कर दिए थे। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए, जो पूरी स्थिति पूरी घटना हो रही थी उस पे काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। अब ये मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ वो होता है कि जिसके अंतर्गत मिलिट्री का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है, मिलिट्री में जो सबसे उच्च अधिकारी होता है उसको क्या, उसी को मुख्य मान लिया जाता है, यानी कि उसको जो है मार्शल लॉ की उपाधि दे दी जाती है उसके अंतर्गत, और उसी के कहने पर ही सारे
मार्शल लॉ, उसी के कहने पर ही सारे कार्य किए जाएंगे। तो जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया अंग्रेज सरकार ने, उसके बाद क्या हुआ, जलियांवाला हत्याकांड की घटना देखिए क्या हुई थी, ये कब हुई थी, जब मार्शल लॉ लागू हो गया था उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड में क्या हुआ देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ठीक जलियांवाला बाग में बैसाखी का एक मेला लगा हुआ था, जिस मेले को देखने के लिए बहुत संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी। वहां बहुत लोगों की भीड़ जुट गई थी तो शहर से बाहर होने के कारण, मतलब शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे जो लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ पे जो है मार्शल लॉ लागू हो गया, लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है इसमें जो है मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मैदान जो है वो चारों तरफ से बंद कर दिए गए थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर क्या कर दिया, अंधाधुंध गोली चला दी गई। जो मेला देखने के लिए जो भीड़ आई हुई थी उस पर क्या किया था सिपाहियों ने, जो मार्शल लॉ के जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया था, इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, यानी कि इस भीड़ पर गोली चला दी थी। उसके बाद अंग्रेजों को ऐसा करने की का मकसद क्या था, अंग्रेजों ने ऐसा किया क्यों था, उनका मकसद अंग्रेजों का यही था कि जो भारतीय हैं वो हमसे डर कर रहे, हमारी सारी बातें माने, किसी के बहकाने पर किसी के कुछ कहने पर ना आए और अंग्रेजों के गुलाम बने। ठीक, महात्मा गांधी को जब ये सब कुछ पता चला, महात्मा गांधी को जब इस पूरी घटना के बारे में जानकारी हुई, जब उनको ये सब चीजें महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने क्या किया, उनको यह भी पता चला कि सत्याग्रह जो आंदोलन मैंने चलाया था वो भी क्या है, सत्याग्रह आंदोलन जो चलाया गया था वो भी क्या है, पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहा है, लोगों ने उसको भी नकार दिया है। जैसे रोलेट एक्ट लगा रहे थे, रोलेट एक्ट के विरोध में जो चीजें की थी वही वो सत्याग्रह के विरोध में कर रहे हैं, लोगों को सत्याग्रह भी पसंद नहीं आया था, लोगों ने सत्याग्रह को भी नकार दिया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ आया, इसके बाद असहयोग आंदोलन सामने आया, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है गांधी जी ने सबसे पहले ये देखिए, गांधी जी ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने कहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के ही कारण उत्पन्न हुआ है। जो गांधी जी ने अपनी पुस्तक लिखी है हिंद स्वराज, उसमें गांधी जी ने ये बताया है कि ये जो सब चला है, ये सब जो शासन जो चल रहा है, जो भारत गुलाम है और अंग्रेज जो राज कर रहे हैं, ये सब भारतीयों के ही वजह से कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय उनकी बात मान रहे हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं। अगर भारतीय उनको अपना सहयोग देना बंद करते अंग्रेजों को तो क्या होगा कि उनका ये जो उनकी ये सब चीजें हैं, उनकी जो मनमानी चल रही है अंग्रेजों की, वो सब क्या होगी, बंद हो जाएगी। ठीक, और ये जो स्वराज है जो भारत में हमारा, वो स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि भारतीय ही झुके हुए हैं, अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं और स्वराज नहीं मिल पा रहा। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने पूरे भारतीयों, इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने क्या किया था, पूरे भारतीयों को ही साथ लाना चाहते थे गांधी जी इस आंदोलन के, पूरे भारतीयों का मतलब है हिंदू और मुसलमानों, मुसलमान दोनों को एक करके ही ये आंदोलन गांधी जी चला रहे। उसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले थे इस आंदोलन को चलाने के लिए। गांधी जी ने सबसे पहले मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो उस समय क्या थे, मुस्लिम
मुस्लिम जवान राजनीति के नेता थे। असहयोग आंदोलन में क्या किया गया? असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था उसमें मुस्लिमों का भी क्या है, बहुत बड़ा आंदोलन रहा। इसलिए इस आंदोलन को असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। कि अब देखेंगे कि इस आंदोलन के भीतर अलग अलग क्या क्या धाराएं हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी। जैसे जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। पहला ये पॉइंट है हमारा कि आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं जो हुई उसमें क्या हुआ। जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली, इन तीनों ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की। अनेक समाजी समूह ने इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने इसमें स्वराज की मांग की थी। इस असहयोग आंदोलन में गांधी ने स्वराज की मांग की थी और स्वराज का मुख्य लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता। स्वराज का मुख्य लक्ष्य था स्वतंत्रता।